हो जाएंगी जल्दी। ये थोड़ा सा लंबा है, इसको समझने की जरूरत है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम ये पहले कर लेते हैं। एग्री? एनी प्रॉब्लम? नो मैम, नो नो मैम। मैम, सिमरन, हमको पढ़ना है ये? सेकेंड ईयर की क्लास पहले नहीं हुई है, फर्स्ट ईयर की हो रही है अभी, ठीक है? तो जिसको पढ़ना वो पढ़ना। कल ऑर्गेनिक के लिए आप बोल रहे थे ना, मॉर्निंग में. ऑर्गेनिक नहीं होगा सेकेंड ऑर्गेनिक सेकेंड ईयर होगा, का? होगा ऑर्गेनिक होगा, बट सिंस कि हमने ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट कर दिया था ना, तो अच्छा उसकी एक क्लास और चाहिए मुझे बस। कल की क्लास में ये अच्छा खत्म हो जाएगा, तो आज शाम से हम फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है. ओके हाँ ओके, टाइमिंग वही 8:30. यस, मतलब आप लोगों ओके की 9 o'clock से रहेगी, फर्स्ट ईयर की 8:30 से। एट ओके थर्टी अच्छा ठीक. ओके थैंक यू. ओके, बाकी चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर कोमल, सविता। यस मैम, गुड हाँ मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग। नैन्सी, यस मैम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंश, और ये कौन है? अजय। ठीक है, तो अपन आते हैं ये वाली यूनिट पे, यूनिट 14, ब्लॉक 3। ब्लॉक 4 बचा है। ब्लॉक 4 में एल्केन्स एल्कीन्स हैं, जिसमें कि मैं आपको सिर्फ नेम्ड रिएक्शन पढ़ाऊंगी, वही आएगी। और अभी लिख के ले लो, हेलवोलार्ड ज़ेलिन्स की तो आएगी आएगी, देख लेना। आते हैं अपन कहाँ पर, ये इसकी भी बात है। देखो हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन, इंटरमीडिएट्स एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, बॉन्ड क्लीवेज कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स में आते हैं, ये हमें पढ़ना है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और ये बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये हर मैकेनिज्म में ये चीजें आएंगी आएंगी। फिर हमें कुछ इफेक्ट्स पढ़ने हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, ओके, और मीजोमेरिक इफेक्ट एंड ऑल। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ब्लॉक 3 का यूनिट 14, रिएक्शंस एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, जिसमें कि हमें पढ़ना है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स, रिएक्टेंट्स सॉरी रिएजेंट्स के टाइप्स, रिएक्शंस के टाइप्स, इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, और फिर क्वेश्चंस। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लीवेज ऑफ बॉन्ड से। सो बॉन्ड क्लीवेज सीधी सीधी बात करें तो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है हेट्रोलिटिक और एक होता है होमोलिटिक। ठीक है, तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि कुछ रिएक्शंस स्लो होती हैं और कुछ रिएक्शंस स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं, कुछ स्लो होती हैं। तो ये जो 2 ऐसी चीजें हैं कि कुछ रिएक्शन स्लो हैं, कुछ फास्ट हैं, कुछ स्टेबल हैं, कुछ नहीं है, वो ऐसा क्यों होता है? तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एसिड एंड बेस रिएक्ट फॉर्म, सोल्ट एंड वॉटर. यस, तो NaCl। हम कहते हैं NaCl हम खाते हैं। सॉल्ट्स के भी बहुत टाइप्स होते हैं, सॉल्ट्स में भी वाटर ऑफ हाइड्रेशन आता है, ओके, तो दिस इज वन टाइप ऑफ सॉल्ट। सिर्फ NaCl ही सॉल्ट नहीं होता है, ओके, बच्चों को लगता है सिर्फ NaCl ही सॉल्ट है, प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन इंस्टेंटेनियसली हो जाती है, इसमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप हो जाती है, इट इज अ फास्ट रिएक्शन। ओके, नाउ एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ रिएक्शंस जल्दी हो रही हैं, कुछ फास्ट हो रही हैं? और ये तभी होता है जब कैटलिस्ट हो उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड, किसमें? एसिटिक एसिड जब इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, तो ये कंप्लीट तो होती है बट बहुत ही मतलब रेयर केसेस है कि ये कंप्लीट हो। ओके, सो द स्लोनेस एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इन रिएक्शंस आर ड्यू टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वी नो दैट एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। नाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयोनिक बॉन्ड इज
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग की, जब जब हम शेयरिंग बोलते हैं तब कोवेलेंट बॉन्ड आता है। आयनिक बॉन्ड में देर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। जैसे सोडियम क्लोराइड में देर इज आयनिक बॉन्ड, वाई सोडियम प्लस बनाता है, क्लोरीन माइनस बनाता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है तभी इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, दिस इज आयनिक बॉन्ड। बट कार्बन कार्बन के बीच में हम नहीं कहते आयनिक बॉन्ड है, हम कहते हैं यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये तो 3 ही बचेगा, तो बेचारा ये तो स्टेबल ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा एटमोसफियर में। तो क्या करते हैं ये, इन लोग बोलते हैं चलो दोस्ती कर लेते हैं, और एक एक तब जब तेरे को जरूरत हो तब तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले लेना, और जब मेरे को जरूरत होगी तो तू अपना इलेक्ट्रॉन मेरे को दे देना। तो क्या होता है, शेयरिंग होती है। तो दिस शेयरिंग इज नथिंग बट कोवेलेंट बॉन्ड। बट आयनिक बॉन्ड में दोस्ती नहीं होती है, उसमें ले तेरा तू ले ले मेरा मेरे को दे दे, ऐसी वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, और टाइप ऑफ बॉन्डिंग के कारण ही कोई रिएक्शन फास्ट, स्टेबिलिटी, नॉन स्टेबिलिटी, ये सब मैटर करता है। ठीक है, व्हेन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड टेक प्लेस, वन और मोर टाइप ऑफ बॉन्ड मे बी ब्रोकन एंड द एटम्स ओरिजिनली अटैच्ड मे बी रिप्लेस बाय द अनदर एटम्स और मे बी लॉस्ट। ओके, नाउ द क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मे टेक प्लेस इन वन ऑफ द वेज। सबसे पहले हम हिट्रोलिसिस की बात करते हैं। मैंने बताया 2 टाइप्स के क्लीवेज, एक होमोलिटिक एक हेट्रोलिटिक, हेट्रो और होमो। तो हेट्रोलिटिक, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, और लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक करना, और होमो मीन्स सेम, और लाइसिस मीन्स ब्रेक करना। तो दिस इज अ अनसिमेट्रिक वे ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब सच टाइप ऑफ हेट्रोलिसिस वेयर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिमेन विथ आइदर ऑफ द फ्रेगमेंट। क्या होता है कि एक एक एटम ए है, एक बी है, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में अभी प्रेजेंट हैं। ये क्या होगा कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या तो ये बी के पास चला जाएगा पूरे तरीके से, या तो ये ए के पास चला जाएगा पूरे तरीके से। तो कंडीशन दोनों हो सकती है, अगर ये बी के पास जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, और जो डोनेट करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम क्या कहते हैं कि दिस बिकम्स पॉजिटिव, दिस बिकम्स नेगेटिव। बट दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है, ये इसके पास भी जा सकता है तो ए पे नेगेटिव आ सकता है। तो क्या होता है, इन हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड द रिजल्टिंग स्पीशीज आर चार्ज्ड। यहाँ पर जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो स्पीशीज बनती है ना, वो क्या होती हैं, दे आर चार्ज्ड, उन पे चार्ज आ जाता है। बट अगर होमोलिटिक की बात करते हैं हम, तो वहां पे बनते हैं फ्री रेडिकल्स। जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना बस, ठीक है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में चार्ज आयंस बनते हैं, ये अनसिमेट्रिक वे ऑफ बॉन्ड क्लीवेज है। क्यों? क्योंकि या तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के पास चला जाएगा या तो दूसरे के पास चला जाएगा। यहाँ शेयरिंग या इक्वल, एक इसके पास एक इसके पास, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, नाउ ये जो बॉन्ड क्लीवेज है, ये कार्ब कैटायन या कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करता है। कैसे? कार्ब कैटायन वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्ब एनायन वो होते हैं जिस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और कार्ब कैटायन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इफ द स्पीशीज रिजल्टिंग फ्रॉम हेट्रोलिटिक क्लीवेज हैज अ कार्बन एटम बेयरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ कार्ब कैटायन और कार्बोनियम आयन। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, अगर कार्बोनियम आयन आता है तो इट इज नथिंग बट अ कार्बो कैटायन। फॉर एग्जाम्पल, 2-ब्रोमो 2-2-मिथाइल प्रोपेन का अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ब्रोमीन अपने पास ले जाएगा, और जब ये ले जाएगा तो ब्रोमीन नेगेटिव बनेगा, और जो ये है सिंस इसने डोनेट किया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
एंड दिस स्पीशीज इज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन। बात समझ आ रही है बच्चों? यस मैम, सभी? यस मैम, हाँ सबको। अजय, ठीक है, ओके। अब ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल यू कैन गिव टू एक्सप्लेन द कार्बोकैटायन। ओके, ऑन द अदर हैंड, अगर प्रोपेनॉन की रिएक्शन हेलोजन के साथ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, इट प्रोसीड्स बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर दे आर इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस। इस रेजोनेंस के कारण जो ये लीविंग ग्रुप है इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये एक्स क्या है, एक्स इज हेलाइड, हेलाइड मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। ओके, तो जब ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि कार्बन में नेगेटिव चार्ज आता है, वो फॉर्म करता है कार्बो एन आयन और कार्ब एन आयन। द कार्बन एटम बियरिंग अ नेगेटिव चार्ज इज नोन एज कार्ब एन आयन। ओके, अब अगर हम यहाँ देखें, इन बॉन्ड हेटरोलिसिस विच फ्रेगमेंट वुड कैरी द लोन पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, ठीक है, और जिसके कारण नेगेटिवली चार्ज आयन जनरेट होता है। अब हमें पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इन सब से। तो वेरी ऑफन इन इवेंट ऑफ हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, इट लूजेस इट्स शेयर इन द बॉन्ड एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट। देयरफॉर व्हाइल कार्ब कैटायंस आर वेरी कॉमन एज इंटरमीडिएट्स, कार्ब एनायंस आर वेरी रेयर। यस, ओके। उसके बाद अब हमें देखना है कि सिंस दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व चार्ज स्पीशीज, इसलिए हम इसको आयोनिक या पोलर मैकेनिज्म फॉलो होता है। ओके, तो कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन समझ आया? यस मैम, और ये बॉन्ड कौन से टाइप की क्लीवेज से जनरेट होते हैं? टाइप ऑफ हेट्रोलाइट यस, कोमल, किस टाइप के क्लीवेज से जनरेट होते हैं? हेट्रोलाइसिस से होता है, इसमें चार्ज आयन मेन करते हैं। यस, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं होमोलिसिस की, ठीक है। तो होमोलिसिस, इट इज अ सिमेट्रिकल वे। सिमेट्रिकल वे, हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी पढ़ा कि सिमेट्री नॉन सिमेट्री क्या होती है ना। तो सिमेट्रिकल वे ऐसा होता है कि अगर किसी के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा। तो देयर इज अ सिमेट्री, बराबर सी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो दिस मीन्स इफ अ बॉन्ड क्लीव्स इन अ सिमेट्रिकल वे सच दैट आइदर फ्रेगमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल गेट्स वन इलेक्ट्रॉन, देन दिस बॉन्ड इज होमोलिसिस। अनलाइक इन हेट्रोलिसिस जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा एक एटम के पास चला जाता है, ठीक है। अब ये देखो, एक इसके पास चला गया, एक इसके पास चला गया, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से, तो ये क्या जनरेट करते हैं? द रिजल्टिंग स्पीशीज हैव कॉट एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड आर रेफर्ड टू एज फ्री रेडिकल्स। दिस इज ए फ्री रेडिकल, दिस इज बी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में हमेशा एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम डोनेट करते हैं, डॉट से हम डोनेट करते हैं फ्री रेडिकल को, ठीक है। तो होमोलिसिस क्या जनरेट करता है? फ्री रेडिकल जनरेट करता है। द वर्ड होमो मीन्स सेम, लाइसिस मीन्स क्लीवेज। अब ये देखो, ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन का एक होमोलिसिस अगर हम देखें, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते जाते हैं, और ये रिएक्शन प्रोसीड होती जाती है। ये रिएक्शन, मीथेन व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन मॉलिक्यूल, CH3 मिथाइल क्लोराइड फॉर्म। ओके, और जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये जनरेट होता जाता है। कैसे? कि यहाँ HCl के मॉलिक्यूल में ए होमोलिसिस हुई, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। अब ये फ्री रेडिकल फिर से इसको इनिशिएट करेगा, इस रिएक्शन को, ये फिर फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। दिस रिएक्शन गोज एंड गोज एंड गोज एंड गोज ऑन
एंड फ्री रेडिकल्स बनते जाते हैं बनते जाते हैं, और एक चेन रिएक्शन स्टेब्लिश हो जाती है. और इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में होमोलिसिस होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्लोरीन फ्री रेडिकल बने. द रिजल्टिंग स्पीशीज हैव गॉट एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच, ये फ्री रेडिकल कहलाते हैं. क्लोरीन फ्री रेडिकल सेम एज क्लोरीन एटम हैज गॉट 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यस, कैसे? इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, सिमिलरली इसके पास भी. तो 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में क्लोरीन एटम के होते हैं. ओके, दस क्लोरीन रेडिकल इज अ न्यूट्रल स्पीशीज. इनफैक्ट इट इज ट्रू फॉर एनी फ्री रेडिकल. द होमोलिटिक क्लीवेज और फिशन इज ऑब्जर्व विथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड इट इज ऑल्सो इन कंट्रास्ट टू द हेट्रोलिटिक क्लीवेज वेयर पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज वन ऑफ द कंडीशन. यस, रिमेंबर हेट्रोलिटिक फिशन की जब हम बात करते हैं तो वहां हम पोलैरिटी की बात करते हैं. पोलैरिटी मीन्स डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स. बट सिंस यहाँ होमोलिटिक फिशन में क्लोरीन क्लोरीन एटम और फ्लोरीन फ्लोरीन एटम और ब्रोमीन ब्रोमीन एटम, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम नहीं कह सकते क्योंकि सेम एटम्स हैं. डिफरेंस होता है जब कोई दो एटम्स इन्वॉल्व हो. जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो वी विल से दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल. ओके, तो होमोलिटिक फिशन में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, हेट्रोलिटिक फिशन में पोलर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड फर्दर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड इसीलिए ये रिएक्शन होती जाती है एंड देयर आर मल्टीपल स्टेप्स एंड CH3Cl बनता जाता है अंटिल क्लोरीन क्लोरीन रिएक्ट करके Cl2 बना दे. समझ आ रहा है बच्चों? मैम एक बार होमोलिटिक का बता दीजिए. हाँ, हेट्रोलिटिक फिशन समझ आया कि वहां पे यस अनसिमेट्रिकल मैम, वे ऑफ क्लीवेज है. बट इन होमोलिटिक फिशन देयर इज सिमेट्रिकल वे ऑफ क्लीवेज, मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आपस में बांट लेंगे. हेट्रोलिटिक में क्या हुआ था, पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर या तो एक एटम ले लेता था या दूसरा एटम ले लेता था, जिसके कारण चार्ज स्पीशीज बनती थी. कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो नेगेटिव होता है और जो देता है वो पॉजिटिव. बट इन होमोलिसिस और होमोलिटिक फिजन बराबर से साझा हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, एक यहाँ चला गया एक यहाँ चला गया, तो द जनरेटेड स्पीशीज आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट है. ठीक है, अब फिर दूसरी बात मैंने बोली कि हेट्रोलिटिक फिजन पोलैरिटी के कारण या पोलर मॉलिक्यूल्स शो करते हैं, बट जो होमोलिटिक है वो नॉन पोलर करते हैं. अब पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी इज डिफरेंस इन द पोल्स, मींस चार्ज्ड आयंस का बनना. अब चार्ज कैसे बनते हैं? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है. तो मैंने एग्जांपल दिया आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड का. ठीक है, अब फ्लोराइड, फ्लोरीन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वी ऑल नो, है ना. हाइड्रोजन इज अ इलेक्ट्रो, हाइड्रोजन को हम पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी इसकी स्टेट ही वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है. ठीक है, बट हम इसको अकॉर्डिंगली किसी भी कंपाउंड के साथ इसको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देते हैं. बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा, तो ये चार्ज एटम बन रहे हैं फिर से. तो ये क्लीवेज क्या हुआ? हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ. और ये क्या हुआ? पोलर मॉलिक्यूल हुआ. बट होमोलिसिस में नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं. नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता ज्यादा, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन में आप कैसे बोलोगे कि इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब दोनों यस मैम, एटम सेम है तो हाउ विल यू से कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है? कोई चीज डिफरेंट होगी तभी तो आप बोल पाओगे ना. देयर शुड बी अ डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो आप बोलोगे ये एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये कम है. अब जब दोनों ही चीजें सेम है तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? अगर दो टॉप्स दो पैंट सेम है तो आपको थोड़ी आप कुछ बोल पाओगे कि ये अच्छा है ये बुरा है, बोल पाओगे?
नहीं बोल पाओगे ना। नो नो सिमिलरली यहाँ पे भी होता है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि फ्री रेडिकल्स या होमोलिटिक फिशन में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, और सिंस फ्री रेडिकल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो ये एक्साइटेड होता है कि मुझे किसी के साथ रिएक्शन करनी है, रिएक्शन करनी है, तो इसलिए हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। समझ आया? और यस मैम, ये जो पूरी रिएक्शन होगी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होता है। तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि जब लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक होता है या किसी भी लाइट की रिएक्शन में लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो ज्यादातर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। होता है, 12th में भी रिएक्शंस पढ़ी होंगी, तो उसमें हम बोलते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि द रिजल्टिंग स्पीशीज आर फ्री रेडिकल इन नेचर, इसीलिए। समझ आई बात? यस मैम। चलो आंसर भी, इसका आंसर बताओ। चूज अ करेक्ट ऑप्शन। कंडीशंस फॉर हेट्रोलिसिस, द बॉन्ड शुड बी पोलर इन नेचर, द बॉन्ड शुड बी नॉन पोलर, इट शुड हैव एटलीस्ट वन हेलोजन एटम, द बॉन्ड ब्रेकिंग शुड इन्वॉल्व कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्या होना चाहिए? यस आंसर इज फर्स्ट। नाउ विच इज नॉट करेक्ट फॉर होमोलिटिक, होमोलिटिक के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? आई थिंक फर्स्ट वन। सेकंड सेकंड रेज हैंड्स। सेकंड कौन कौन बोल रहा है? आंसर सेकंड है कि फर्स्ट है? देखो होमोलिटिक है मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में तो हो गई होगा, है ना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गई होगा। अब इन दोनों में से आपको चूज करना, करो चूज। मैम फोर्थ। द आंसर शुड बी फोर्थ, शुड बी फोर्थ। ओके नाउ टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, ये हम कल की क्लास में शुरू करते हैं। इसमें हमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पढ़ना है और हमें पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का समझ आया? ये बताओ पहले मुझे, कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन एंड टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, टू टाइप्स। यस मैम। सबको आया? लकी, सविता, कोमल, अजय, यस नैन्सी, मैम। सविता, और यस मुझे साई को बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए नाम बता दूं कौन है। मैम। हाँ दैट इज यूजुअल। वो ओके तो रैंडमली ले लिया था नाम, मैंने डारा नहीं था। ओके, इसको चेंज कर लो बट। ओके या श्योर वाई नॉट। या आई विल। ओके, समझ आया आपको? हाँ। ओके ठीक है, फिर अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और जो जो इस अभी ऑर्गेनिक